हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से जुड़े हुए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में कई बार पहले भी आ चुके हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर जरूर जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से परीक्षा में एक या दो प्रश्न हमेशा देखने को मिल ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपका पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? साथियों, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? स्टार्क मार्क कर लीजिए, मेरठ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से प्रश्न मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। नेक्स्ट है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। अगला सवाल है, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 क्रांति समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉर्मिस्टोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो साथियों, पंजाब के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों ने किया था। आपका अगला सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 ईस्वी में हो गया था। अगला सवाल है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? जी हाँ, 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। साथियों, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार। जी हाँ, आरसी मजूमदार ने क्रांति को क्रांति नहीं माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? साथियों, उर्दू कवि ने देखा मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? साथियों, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। जी हाँ, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा
कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि आपको प्रश्न के उत्तर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में आप उत्तर अपने देते चलिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जो मुख्यतः असफल रहा 1857 का विद्रोह, वो रहा हमारा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की क्रांति में ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला सवाल है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था साथियों? कोल्हापुर में था। नेक्स्ट है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बाकी तीनों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? तो 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष शहादत खां ने किया था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो मुख्य तत्कालीन कारण था, ये था हमारा साथियों अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, मुख्य तत्कालीन कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? साथियों मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नोट डाउन करते चलना, यहां से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। आपका अगला सवाल है, चलिए साथियों अगला सवाल, किस इतिहासकार ने लिखा प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस कवि का नाम है साथियों आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था साथियों? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो साथियों जिसे बंदी बना के मार दिया वो है तात्या टोपे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो जो क्षेत्र प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से साथियों वो था हमारा चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? साथियों तो जो एचिसन के इस कथन का संबंध है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1857 का विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बख्त खां। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार में दमन का श्रेय टेलर एवं बिसेंट अय्यर को था। अगला सवाल है,
1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किससे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। यदि माता पिता का सपना पूरा करना है तो मेहनत से तो पढ़ना पड़ेगा। साथियों, मेहनत से पढ़िए आप। चलिए अगला सवाल है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत हुई थी साथियों लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डी आर जारली ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बी डी सावरकर ने संज्ञा दे दी थी। नेक्स्ट है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो इसका सही जवाब है, जो परिणित हो गया था साथियों, उसका सही जवाब है SN सेन। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में, और आपका अगला सवाल है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहा था साथियों कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों के सहयोग करने वाले थे सिख, गोरख और पठान। तो सिख, गोरख और पठान तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो साथियों, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी, और बाकी इन तीनों ने मदद की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासक ने, और सतलज के पास राज्य के सिखों ने। ठीक है, अगला सवाल है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा भी दी गई? तो साथियों, बाद में जिस नेता को फांसी की सजा दी गई थी, तात्या टोपे। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हंडसन ने गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रंगून। स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो साथियों, महत्वपूर्ण भूमिका रही कैंपलेल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जो 1800 विद्रोह के अछूता रहा? तो 1800 विद्रोह से अछूता रहा वो था मद्रास। मद्रास बिल्कुल पास नहीं आया। चलिए अगला सवाल है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? जी हाँ, अकेली मर्द कहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? साथियों, 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो जो नेपाल भाग गए थे और मृत्यु भी हो गई थी, नाना साहब, बेगम हजरत मैन और खान अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर संयंत्र रचने का आरोप लगाया? तो तात्या टोपे। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी?
तो इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1858 को घोषणा कर दी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो किस प्रांतों से चयन किया साथियों? तो इसका राइट आंसर गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से इनका चयन किया गया था, जो वहाँ के मुख्य सिपाही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो स्वतंतरता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार थे हमारे एस एन सेन। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो साथियों, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लिकायत, लियाकत अली। साथियों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इन दो प्रश्नों का जवाब आप सभी लोग कमेंट में दीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।